हेलो रंग रूट्स, क्या हाल है आपके भाई। पूरा हफ्ता निकल चुका है और वीकेंड शुरू होने वाला है। अप्स एंड डाउन से भरे इस हफ्ते का ये आखिरी एपिसोड है, तो हमने सोचा कि आज आपकी फरमाइश पूरी की जाए। आप में से कई लोगों ने हमसे NIOS पर डिटेल्स मांगी थी और इस टॉपिक को लगातार कवर करने के लिए आप हमें मैसेज कर रहे थे और हमने आपसे वादा किया था। तो आज वादा पूरा करते हुए हम बात करेंगे NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान कहा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रंगरूट शो। NIOS को लेकर युवाओं के कई सवाल हैं, जैसे कि ये क्या है, कैसे काम करता है, कितने कोर्सेज हैं, क्या इसमें स्ट्रीम बदल सकते हैं। चलिए एक एक कर इन तमाम सवालों के जवाब देना शुरू करते हैं। NIOS भारत सरकार की एक पहल है जो ऐसे छात्रों के लिए है जिनके लिए स्कूल जाना पॉसिबल नहीं है। वो यहाँ एडमिशन ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। NIOS एक नेशनल लेवल का ओपन स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, जैसे कि CBSE, ICSE या फिर दूसरे बोर्ड्स हैं। बस इसमें बुनियादी फर्क ये है कि NIOS में आपको पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं जाना पड़ता। आप एडमिशन लीजिए, अपने से पढ़ाई कीजिए और फिर एग्जाम्स दीजिए। इसके जरिए हर साल हजारों छात्र 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स देते हैं। इसे ओपन लर्निंग या फिर डिस्टेंस लर्निंग भी कहा जाता है। NIOS भी CBSE, ICSE या दूसरे स्टेट बोर्ड्स की तरह ही एग्जाम करवाता है और जो स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से आप मुख्यतः 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इसके बाद आगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर भी कई सारे कोर्सेज हैं जो NIOS करवाता है। कई ITI के कोर्सेज में NIOS लर्निंग्स ऑफर करता है। NIOS का सिलेबस बाकी बोर्ड्स की तरह ही होता है। इसके लिए कई कोर्सेज में आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है, कई में ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं या फिर क्लासेस की CD भी मिल जाती है जो कि स्टडी सेंटर्स पर उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा छात्रों के पास अपनी पढ़ाई पूरी करने का पर्याप्त समय होता है। NIOS से पढ़ाई करने के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। सेकेंडरी कोर्सेज के लिए एज लिमिट 14 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए और आपके पास जिस बोर्ड से आप पढ़े हों उसकी 8वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। वहीं सीनियर सेकेंडरी कोर्स के लिए आपकी उम्र 15 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए और भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास की हुई 10वीं क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। एडमिशन की बात करें तो छात्र NIOS के कोर्सेज में ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं या फिर एडमिशन लेने का एक और तरीका अलग अलग एडमिशन और स्टडी सेंटर्स हैं जो NIOS से मान्यता प्राप्त होते हैं। यहां जाकर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आपके सबसे नज़दीकी NIOS सेंटर की जानकारी आपको इंटरनेट पर या फिर NIOS के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर मिल जाएगी जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। NIOS में कई भाषाओं में काफी फ्लेक्सिबल कोर्सेज कराए जाते हैं। यहाँ सेकेंडरी स्टेज पर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, तेलुगु, गुजराती, मलयालम, तमिल, ओडिया, पंजाबी, असमीज, संस्कृत और कन्नड़ा भाषा में पढ़ाई कर सकते हो। वहीं सीनियर सेकेंडरी स्टेज पर आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, गुजराती, संस्कृत और ओडिया मीडियम से पढ़ाई कर सकते हैं। NIOS में एग्जाम प्रोसेस भी काफी फ्लेक्सिबल है। ये साल में 2 बार सार्वजनिक परीक्षाएं आयोजित कराता है, एक बार मार्च अप्रैल और एक बार अक्टूबर से नवंबर के बीच। एक विद्यार्थी के पास अपना कोर्स पूरा करने के लिए 5 साल का समय और 9 एग्जाम के चांसेस होते हैं। इसके अलावा छात्रों के पास ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम यानी कि ODES का भी ऑप्शन होता है, यानी आप अपनी सुविधा के हिसाब से NIOS से परीक्षा लेने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं और एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर एग्जाम दे सकते हैं। एक और बहुत अच्छी बात यह है कि NIOS क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा देता है। इसका मतलब यह है कि अगर छात्र चाहें तो ऐसे कोई भी 2 सब्जेक्ट्स जिसमें उन्हें सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं उनके अंक ट्रांसफर करा सकते हैं और इसके बाद उन्हें उन 2 सब्जेक्ट्स में परीक्षा नहीं देनी होगी। जैसे मान लीजिए आपने CBSE की 10वीं की परीक्षा दी और आप किसी परीक्षा को पास नहीं कर पाए किसी वजह से, पर आप किन्हीं 2 या 3 सब्जेक्ट्स में पास भी थे, तो आप अधिकतम 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ट्रांसफर करा सकते हैं और आपको फिर इन 2 सब्जेक्ट्स को छोड़कर बचे हुए सब्जेक्ट्स के ही एग्जाम देने होंगे। ये क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा ज्यादा से ज्यादा 2 विषयों में ही मिलती है। NIOS के 4 स्ट्रीम हैं जिन्हें लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है, इन्हें भी समझ लेते हैं। NIOS की Stream 1 सभी छात्रों के लिए है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कक्षा 10वीं या फिर 12वीं के एग्जाम ओपन स्कूल के जरिए देना चाहता हो, इसमें भी Block 1 और Block 2 है, जिसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप मार्च अप्रैल में होने वाले एग्जाम देंगे तो Stream 1 Block 1 में एडमिशन होगा, यदि आप अक्टूबर नवंबर में एग्जाम देना चाहते हैं तो Stream 1 Block 2 में एडमिशन होगा। स्ट्रीम 2 की बात करें तो स्ट्रीम 2 ऐसे छात्रों के लिए है जो किसी भी बोर्ड से 10वीं या फिर 12वीं पास कर चुके हों या फिर
फेल हो गए हों और अपना रिजल्ट सुधारना चाहते हों। ये छात्र कोई भी चार सब्जेक्ट चुन सकते हैं जिनका वो दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं, जिन्हें वो पास नहीं कर पाए हों और या फिर जिनमें उनके नंबर कम आए हों और अपने नंबर सुधार सकते हैं। स्ट्रीम 3 में ऐसे सभी स्टूडेंट्स होते हैं जो 10वीं पास हों या फिर फेल हों और वो एडमिशन ले सकते हैं। पास होने वाले छात्र अपना स्कोर बेटर कर सकते हैं और जो छात्र फेल हुए हैं वो एग्ज़ाम वापस पास कर सकते हैं। इसी तरह स्ट्रीम 4 ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो 12वीं पास हों या फिर फेल हों और एडमिशन ले सकते हैं। पास होने वाले छात्र अपना स्कोर बेटर कर सकते हैं और जो छात्र फेल हुए हैं वो एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। स्ट्रीम 3 और 4 में आपको ऑन डिमांड एग्जामिनेशन की सुविधा मिलती है। आज रंग रूट शो में फिलहाल इतना ही। हमें बताइएगा कि आपको ये शो कैसा लगा। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। देखते रहिए रंग रूट।